नगर निगम सोलन के CLC कर्मचारियों ने मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारियों ने इसको लेकर यूनियन का गठन किया है ताकि अपनी मांगों को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जा सके। इस दौरान सहमति के साथ पदाधिकारी भी चुने गए, जिसमें सर्वसम्मति से विकास को कमेटी का प्रधान चुना गया। कमेटी के प्रधान विकास ने बताया कि सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक कमेटी का गठन किया है। इसका केवल एक ही मकसद था कि सभी कर्मचारी एकजुट रहें। उनकी मुख्य मांग यही है कि उन्हें डेली वेज दी जाए। मेरा नाम विकास है और हम लोग आज कमेटी नगर निगम में होते इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के CLC सफाई कर्मचारी, आज एक बैठक हुई है जिसमें हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिसमें प्रतिनिधि में आज मेरे को विकास चौटाला को अध्यक्ष बनाया गया है। जो भी इनकी दिक्कत या परेशानी कुछ भी लगता है तो जो भी इनकी बातें हैं वो मैं अपनी इनकी बातों को लेकर नगर निगम जो अध्यक्ष बैठे हुए हमारे उनके समक्ष रखूँगा और मेरे लायक जो भी इनकी बातें होंगी काम होगा मैं इसके लिए खड़ा। ये रजिस्टर हमारे जो वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष हैं सुधा समिति के वाल्मीकि समाज से, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, उसमें प्रतिनिधि चुने गए हैं और बस नगर निगम ने मान्यता जी हमारी नगर निगम में हमारी अफसरों से बात हुई थी कि जी हमारे जो है मीटिंग करनी है, बैठक करनी है, इसमें हमारे को यूनियन रजिस्टर मेंटेन करना है जी। ये बात दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।